एकीकृत ग्राम विकास योजना, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण कलाकारों को उपकरण किट की आपूर्ति, ग्रामीण कौशल योजना, लाख कुएं योजना आदि एक साथ मिला दिया गया और उसके उपरांत अतिरिक्त मजदूरी हेतु रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिस्थिति का निर्माण करने के उद्देश्य से सन 2001 में रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का विलय करते हुए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को लागू किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में बेरोजगार को नियंत्रित करने के लिए विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए यहाँ पर प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान उन्हें मजदूरी सहित न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी प्रदान करना है और सन 2006 में इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इसकी प्रकृति अत्यंत व्यापक है। देश में बेरोजगारी को नियंत्रित किए जाने हेतु अपनाए गए उपायों का मूल्यांकन करते हुए यह उल्लेख किया जा सकता है कि बेरोजगारी सत्ता में रह चुके दलों का प्रमुख चुनावी मुद्दा रह चुकी है, किंतु इसका कोई संतोषजनक समाधान अभी तक हमारे नीति निर्माताओं के कोषों दूर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण यह है कि अधिकांश मामलों में रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं के पर्याप्त संसाधनों के द्वारा समर्थन नहीं प्राप्त हो सका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत नीति निर्माताओं के द्वारा ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि बेरोजगारी को मात्र राजकीय हस्तक्षेप के द्वारा ही कम किया जा सकता है। सन 1991 तक यह धारणा प्रचलित रही है कि सरकार ने अपनी आर्थिक नीति और नियोजन संबंधी राजनीति में एक यू टर्न लिया। रोजगार सृजन संबंधी नए उपायों के लक्ष्य थे उदारीकरण, नियंत्रित एवं विनिमय की समाप्ति, निजी क्षेत्र में संसाधनों को जुटाए जाना, एकाधिकार क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन प्रदान करना। आर्थिक सुधार मात्र औद्योगिक क्षेत्र से सीमित नहीं रहे थे। कृषि के क्षेत्र में सतत विकास की अपेक्षा नहीं की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। हाल ही के समय में अत्यधिक धूमधाम और प्रदर्शन के साथ मनरेगा, किंतु क्या ये उपाय वास्तव में सफल हो सके? परंतु यदि हम विगत 2 दशकों के दौरान रोजगार में हुई वृद्धि का आंकलन करेंगे तो हम पाते हैं कि रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं में से अधिकांश उनके उद्देश्य को हासिल करने में सफल नहीं रही। यहाँ तक कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बेरोजगारी में हाल ही में किए गए जारी आंकड़ों में 68वां चक्र द्वारा प्रदर्शित होता है कि देश में बेरोजगारी का बढ़ना जारी है और बेरोजगारी की संख्या सन 2010 से 2012 के 2 वर्षों की अवधि में 98 लाख से बढ़कर 1.08 करोड़ हो चुकी है। अब बात करें ग्रामीण बेरोजगारी की। ग्रामीण बेरोजगारी में क्या होता है? ग्रामीण बेरोजगारी के प्रश्न को लें तो कई वर्षों में राज्य सरकारों ने कई रोजगार गारंटी परियोजनाओं की घोषणा की है, उनके निर्धनता को कम करने की रणनीतियों को माना है, काम के बदले अनाज परियोजना शुरू की है जिसका नाम बदल के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना कर रखा गया है, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी परियोजना, जवाहर रोजगार योजना आई, उसके पश्चात राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मार्च 1990 में एक नई योजना रोजगार गारंटी परियोजना को जोड़ दिया, परंतु यह परियोजना नहीं चल पाई। यद्यपि समय समय पर यह घोषणा होती रही है कि इसमें महाराष्ट्र के मॉडल को अपनाया जा रहा है जो कि एक अच्छे रूप से चल रहा है। इन परियोजनाओं की असफलता का क्या कारण है? हम RLEGP को लें तो 1983 में प्रारंभ हुई, इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार ने दिया। इस परियोजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करना और ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को कम से कम एक सदस्य को 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार गारंटी देना। 1989 में इस परियोजना का जवाहर रोजगार योजना में विलय हो गया। भारत कंप्यूटर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने अपने परख ऑडिट के दौरान यह पाया कि जिस सीमा पर रोजगार गारंटी की कल्पना की गई है उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की निर्धारित वार्षिक आवश्यकता स्थान पर 7 वर्षों
के बीच वार्षिक उपलब्ध राशि 5% की थी। इनमें से या इसमें भी बुरा जो मालूम हुआ है वह यह है कि 1983 से 1989 तक के 3,000 करोड़ रुपए का कुल आवंटन हुआ है और यह एक वर्ष की आवश्यकता से कम था। इसमें भी केवल 64% का उपयोग हुआ है। इस प्रकार न केवल आवश्यक राशि का भुगतान नहीं हुआ है बल्कि जो थोड़ी सी राशि उपलब्ध कराई गई थी उसका भी पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ है। रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए गए। उपलब्ध निधि में से लगभग 26.50 करोड़ रुपए दूसरी परियोजनाओं पर लगा दिए गए, यहां तक कि उसे कारों, जीपों, वातानुकूलित यंत्रों, वीडियो कैमरों, मियादी जमाओं और राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश के लिए खर्च किया गया। खाद्यान्न जो कि RLEGP के अंतर्गत वितरित किए जाने थे वे जन वितरण एजेंसियों और संगठनों के पास पहुंच गए, परंतु आश्चर्य यहाँ पर यह है कि इन सब कमियों के बावजूद इन परियोजनाओं ने 7 वर्ष में यानी 83 और 89 की अवधि में जो मानव दिन 14,720 लाख उत्पन्न हुए वे सरकारी लक्ष्य द्वारा निर्धारित मानव दिन यानी 13,310 से 10% अधिक थे। कैग ने इन आंकड़ों को प्रमाणित और विश्वसनीय नहीं माना, उनके मानव दिनों की गणना करने के तरीकों को गलत बताया। हाजिर रजिस्टर के आधार पर उत्पादित मानव दिनों को संकलित करने के बजाय कुछ राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल रोजगार उत्पादन आंकड़ों का संकलन काल्पनिक आधार पर कर रहे थे। वे कुल लागत के मजदूरी के घटक को निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर से भाग दे करके आंकड़ों का संकलन कर रहे थे। महाराष्ट्र के जिले में यह पाया गया कि मानव दिनों के आंकड़े वास्तविक लागत जिसमें गैर मजदूरी का एक घटक भी शामिल था न्यूनतम दैनिक मजदूरी से भाग देकर निकाले जा रहे हैं और इस प्रकार आंकड़े बढ़ाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मनरेगा पर लगातार ही धनराशियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए रोजगार के दिवसों की संख्या घटकर मात्र 39 रह गई। सर्वाधिक गरीब राज्यों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई। इसी प्रकार से केंद्रीय स्तर पर बजट आवंटन में भी वर्ष 2013-14 के दौरान 7,000 करोड़ रुपए तक की कटौती कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप मनरेगा पर किया जाने वाला व्यय जो वर्ष 2008-09 के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% था 12-13 में घटकर के 0.3% रह गया। यदि यह तथ्य ग्रामीण रोजगार परियोजना के निर्देशों को है तो कोई आश्चर्य नहीं कि स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी देश की जनसंख्या में ऐसे 37.2% का भारत अब भी उठ रहा है जो निर्धन रेखा से नीचे है। हमारी कृषि नीति है, हमारे लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य कृषि उत्पादन की वृद्धि को गति प्रदान करना है अर्थात राष्ट्रीय खाद्य आत्मनिर्भरता को हासिल करना है और क्रय और समर्थन मूल्यों में आवधिक वृद्धि किए जाने के साथ ही बड़े किसानों को समृद्ध बनाए रखना है अथवा गांवों में सभी किसानों को कार्य उपलब्ध करवाना है। अभी तक हमारा और खाद्यान्नों के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने पर रहा है किंतु विगत 2 दशकों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन करने वाले कृषि क्षेत्रों में गिरावट आई है। खाद्यान्न उत्पादन करने वाले सकल फसल क्षेत्र जो वर्ष 2003 और 4 के दौरान 8.4% था वर्ष 4 और 5 में घटकर के नकारात्मक 2.7% हो चुका है और हालांकि व्यावसायिक फसलों में जैसे तिलहन है, कपास है, गन्ना है इत्यादि के अधीन आने वाले कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। इसका परिणाम कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी के रूप में सामने आया है। घरेलू बाजारों में आई कमी को गेहूं का आयात किए जाने के द्वारा पूरा कर लिया गया है जो कि निश्चित रूप से भारतीय व्यापारियों को आवंटित की गई दरों की तुलना में ऊंची दरों पर किया जाता है। इसमें यह मौलिक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ग्रामीण लोगों के लिए हमें कार्य के ऐसे वैकल्पिक साधनों को खोजना चाहिए जो ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी की जुड़वा समस्या को समाधान कर सके। जब तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक समायोजन तथा बुनियादी ढांचे संबंधी विकास के कार्यक्रम और सुधारों को प्रारंभ नहीं किया जाएगा तब तक लक्षित आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। क्या कृषि को सरकारी नियंत्रण और सब्सिडी के शिकंजे से मुक्त किया जाना एक समाधान हो सकता है? क्या ऐसा कोई भी कदम कृषि क्षेत्र को वर्तमान समय की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने की छूट देगा? क्या यह कदम छोटे एवं सीमांत किसानों
खाद्य किसानों और खाद्यान्न घाटे वाले राज्यों को प्रभावित करेगा? तो प्रश्न वास्तव में बहस किए जाने के योग्य है। शिक्षित बेरोजगारी के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY नामक एक स्वरोजगार योजना को भी सन 1993 में प्रारंभ किया गया, ताकि स्वरोजगार के लिए बैंकों के साथ में ऋण उपलब्ध कराया जा सके। बैंक सरकार केंद्र सरकारों के द्वारा इस प्रयोजन के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराती है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रदान करती है। वर्ष 1994-95 से वर्तमान शिक्षित रोजगार युवाओं में स्वरोजगार योजना यानी SEEUY को प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY में सम्मिलित कर लिया गया है, किंतु अन्य ग्रामीण रोजगार योजनाओं में समान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना कुछ खास कार्य नहीं कर सकी है। ऋण प्राप्त करने वाले शिक्षित लोगों की संख्या में निरंतर गिरावट आ गई है और यही केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली सब्सिडी का भी हिस्सा है। इस योजना के लिए निर्धारित किए जा रहे वार्षिक लक्ष्यों को हासिल किए जाने में क्रमिक रूप से गिरावट दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए जहां वर्ष 2000 और 2001 के दौरान लक्षित युवाओं में से 70% को ऋण स्वीकृत किए गए थे, वहां 2002 और 2003 के दौरान यह प्रतिशत घटकर के 52 रह गया है। इस प्रकार यदि योजनाएं विफल होती हैं, जैसे कि प्रवृत्ति से प्रदर्शित हो रहा है, तो रोजगार से संबंधित गणनाएं अस्तव्यस्त हो जाएंगी। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण कानून और व्यवस्था संबंधी मशीनरी के अलावा राजनीतिक व्यवस्था में भी आने वाले वर्षों के दौरान भारी तनाव के अधीन आ जाएंगे। जनता दल ने 1990 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में काम का अधिकार एक नए इनाम का वायदा किया। इसका अर्थ यह कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को इस प्रकार निर्धारित करेगी जिसमें सबके लिए जो वह चाहते हैं उत्पादकता या लाभकारी नौकरियां उत्पन्न हो, सुनिश्चित किया जा सके कि उन सभी को काम करना चाहते हैं काम के अवसर प्राप्त हो। परंतु इससे पहले वह इस चुनौती को स्वीकार करती है कि सरकार को नवंबर 1990 में सत्ता त्यागनी पड़ी। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जो 5 वर्षों तक यानी सन 1991 से लेकर के मई 1996 तक सत्ता में रही, रोजगार उपलब्ध करा पाने और गरीबी को समाप्त कर पाने में पूर्णतः विफल रही। इस अवधि के गठित विभिन्न घोटाले मात्र शासक अविभाज्य वर्ग के इस अवधि के क्रियाकलापों की ओर इशारा करते हैं। HD देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार जिसमें जून 1996 में सत्ता हासिल की, उसके द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी और ग्राम गरीबी को कम करने किए जाने के दावे किए गए, लेकिन यह कुछ भी पाने में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि इसे अप्रैल 2019 में त्यागपत्र देना पड़े। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने भी अपने कार्यकाल में यानी 1998 से 2004 तक चला और इस दौरान देश में व्याप्त बेरोजगारी के परिदृश्य में सुधार कर पाने की दिशा में कुछ ये खास नहीं कर पाई। प्रश्न यह है कि हमारे देश की वर्तमान स्थिति में क्या काम का अधिकार है की गारंटी देना संभव है? तटस्थ एवं पक्के आंकड़ों के साथ साथ क्या रोजगार उत्पादन परियोजना का एक निश्चित रूपरेखा बनाई जा सकती है, या फिर क्या लोकप्रिय बनने के लिए एक और झूठा नाटक करना होगा? मेरे विचार में अप्रासंगिक पलायनवादी और विषयांतर करने वाले या छिछोरा या आस्पद प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, केवल बाधा करने से या संविधान में व्यवस्था कराने से किसी को काम मिलने की संभावना नहीं हो जाती, सिवाय राजनीति के जो असंभव वादे करने में प्रवीण होते हैं। व्यापक आर्थिक नीतियां और नवीन रोजगार के उत्पादन की परियोजनाएं आर्थिक प्रणाली का दक्ष संगठन या दूसरे व्यवहारिक और परिणाम देने वाली तकनीकों पर पर्याप्त विचार किए बिना ही काम का अधिकार एक और वादे को जोड़ने की गलत नहीं समझता। भारी निवेश के बिना काम का अधिकार न तो व्यवहार्य है न ही काम के लायक है। तो यहां पर क्या करना होगा? यह एक दूर की भ्रांति है, एक खोखली दकियानूसी विश्वास मात्र है। एक नौकरी उत्पन्न करने में प्रतिवर्ष बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में 4 करोड़ रोजगार व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए इतने संसाधन अरबों खरबों रुपए कहाँ से आएंगे? क्या यह नारा चारों ओर अपरिमित कुंठा और मोहभंग उत्पन्न नहीं कर देगा? क्या काम का अधिकार नौकरी पाने के लिए अदालत की आज्ञा से या मालिक के द्वारा नौकरी की सेवाएं समाप्त करने के अधिकार से है, सामूहिक सौदेबाजी आदि से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या यह आरक्षण के अधिकार से प्रतिकूल नहीं है? इसलिए क्या हम उन राजनीतिज्ञों से जो जनता को खुश करने के लिए ऐसे नारे लगाते हैं, बातें करते हैं, उनके विचारों से कोई विकृति या कुतर्क नहीं पाते?
क्या बेरोजगारी बीमा एक सही नीति होगी? आज के समय में एक आदर्श देश वह माना जाता है जो कल्याणकारी देश हो, अर्थात एक ऐसा देश जो अपने नागरिकों की आवश्यकताओं एवं वैसे स्वतंत्र करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता हो। सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का प्रावधान, बेरोजगारी के विरुद्ध शिक्षा यानी सुरक्षा, शारीरिक अयोग्यताओं के विरुद्ध संरक्षण, सुरक्षित मजदूरी उपलब्ध करवाए जाना, पर्याप्त विश्राम का समय, एक उदार पेंशन आदि को राज्य के अनिवार्य कार्यों के तौर पर जाना जाता है। निसंदेह यह सब एक महान प्रयास है। अनेक देशों में लोग इसे अपने अधिकार और अपने समाज के शिष्टाचार के रूप में देखते हैं, परंतु क्या इन आदर्शों में कल्याणकारी कार्यक्रमों की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की अपेक्षा की जा सकती है? भारत में यदि बेरोजगारी बीमा योजना को लागू किया जाता है तो क्या यह टिकाऊ आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है? बढ़ती हुई बेरोजगारी और जीवन यापन की लागतों के साथ साथ हमारी सरकार किस प्रकार से लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है, आगे सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं को संचालित कर सके? अनेक विकासशील राष्ट्रों में यह अनुभव किया जाने लगा है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली वर्तमान समय की बेरोजगारी की उच्च दर का एक अंशदायी कारण है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी बीमा के मामले को भी ले लीजिए। यूरोप और अमेरिका के अधिकांश देशों में बेरोजगारी संबंधी लाभ संबंधी व्यक्तियों को उनकी पिछली आमदनी के 80% तक 2 या उससे अधिक वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं। बेल्जियम और डेनमार्क में इस अवधि की कोई सीमा नहीं है, फिर भी काम तलाश करने की आवश्यकता ही क्या है? किसी भी कम परिश्रमिक वाले रोजगार के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही यहाँ पर नहीं है। उपचार के बारे में बात करें, हम बेरोजगारी उपचार के बारे में, रोजगार के बाजार में नव प्रवेशकर्ताओं के लिए आज रोजगार को कौन कौन से मार्ग खुले हुए हैं? सन 1994 में दिल्ली में आयोजित 31वें भारतीय श्रम सम्मेलन के देश में सरपट गति से बढ़ रही है बेरोजगारी के कुछ उपाय किए सकते हैं, जैसे कि स्वरोजगार वर्ग को प्रोत्साहन देना, व्यवसायिक पाठ्यक्रम का आमूलचूल पुनर्गठन, औद्योगिक इकाइयों के द्वारा वर्तमान समय के संदर्भ में भाषित आवश्यक कौशल की पहचान किया जाना और बाजार में मौजूदा मांग को स्वीकार पहचान किए जाने गए कौशल से प्रासंगिक पाठ्यक्रमों को अध्ययन करना। स्वरोजगार के लिए न केवल शारीरिक बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अवसरों की खोज की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें शामिल है जैसे कि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती, लघु पैमाने के उद्योग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल है, कृषि उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, ग्रामीण कलाएं हैं, हस्तकलाएं हैं जैसे कि हस्तनिर्मित कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, चमड़े के सामान, वस्त्रों के हाथ द्वारा छपाई एवं कालीन दरी आदि हो सकते हैं। छोटे व्यवसाय, व्यापार, पौधशालाएं, कृषि उपकरणों का विपणन आदि किया जा सकता है। तो पहले ही यहाँ पर समझाया जा चुका है या सुझाया जा चुका है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विनियमन किया जाना स्नातकों या तकनीकी लोगों की दृष्टि में संख्या में वृद्धि मोटे तौर पर प्रति 10 वर्ष की दर से हो रही है और किसी एक अकेले रोजगार के लिए लगभग 3 लाख प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। तो इस दर पर देश में बेरोजगारी की कल्पना करते हुए सरकार ने एक करोड़ 20 लाख करोड़ रुपए का व्यय करना है होता है। क्या हमारे पास बेरोजगार लोगों के लिए व्यय कर पाने हेतु इतनी बड़ी धनराशि अलग से उपलब्ध है? फिर भी इसलिए कि सरकार उच्चतर शिक्षा को नियंत्रित क्यों नहीं करती? शायद मामले को असलियत यह है कि न केवल सरकार बल्कि राजनीतिज्ञ, शिक्षक, छात्र, जनता सभी के अपने अपने निहित स्वार्थ हैं। शिक्षक गण अपने दायित्व पदों को पसंद करते हैं और प्रशासक गण एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जिसके अंतर्गत बेरोजगारी की काली छाया अस्थायी तौर पर दरकिनार किया जा सके। समूह अभी जाते लोग गरीबों के खर्चों पर लाभ के सबसे बड़े भाग को हड़प लेना चाहते हैं और राजनीतिज्ञ निठल्ले या कुंठायुक्त या कुशिक्षित छात्रों को भीड़ निकालने वाले बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उनके राजनीतिक बल को मजबूती प्रदान करते हैं। रोजगारों में तीव्र गति से वृद्धि न होने का एक कारण है कि श्रम संबंधी कानून। भारत में श्रमिकों की छंटनी किया जाना अवश्य लगभग असंभव सा है, अतः व्यावसायिक प्राय स्थायी कर्मचारियों की तुलना में संविदा कर्मचारियों को ही पसंद करते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निजी क्षेत्र में नियोजित लोगों की संख्या गत दशक के दौरान
85 लाख के आसपास रहते हुए भी स्थिर बनी रही है और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर वृद्धि की दर में मंदी भी आई है, क्योंकि सन 1999 में इसकी संख्या 194 लाख रुपए से कुछ अधिक थी, जबकि 2003 में 185 लाख रुपए से कुछ ऊपर रह गई है। इसलिए कानून के द्वारा उत्पन्न किए गए रोजगार विरोधी लोकाचारों की सरकार के द्वारा दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। कुछ लोग यहाँ पर सुझाव देते हैं कि बेरोजगारी से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान है आर्थिक विकास। कुछ समय के लिए यह सही हो सकता है, किंतु सदैव के लिए नहीं। ऐसा कारणवश है कि पहला, आर्थिक विकास की अपनी सीमाएं होती है। दूसरा, तकनीक में होने वाली उन्नतियां पारंपरिक व्यवसाय उद्योगों में कार्य श्रमिकों को विस्थापित करने की प्रवृत्ति से युक्त है। तीसरा, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं कई वर्षों के दौरान संरचनात्मक कठोरताएं विकसित कर लेती हैं, जो परिवर्तनशील परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित को रोकती हैं। अधिक विकास दर वाले दशकों में विकसित हुए आधुनिक संबंधों को आर्थिक गतिहीनता के अवधियों के दौरान बनाए नहीं रखा जा सकता। हालांकि भारत जैसे एक विकासशील देश को आर्थिक विकास के लिए नीति एवं कार्यक्रम दोनों की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मुक्त व्यापार की नीति भी उनकी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है, बेरोजगारी को कम करती है। भारत जैसे विकासशील देशों को उनके विकास कार्यक्रम में सहायता प्रदान किए जाने हेतु विकसित देशों पर निर्भर किया जाना भारत के युग में मूर्खों के स्वर्ग में निवास करने के जैसा है, क्योंकि ऐसे देशों के द्वारा आर्थिक सहायता मांगने वाले देशों पर उनके विचारों और विचारधाराओं को थोपा जाना आवश्यक हो गया है। भारत में अपने स्वार्थ के समाधानों पर निर्भर करता है कि नियत रूप से वितरण संबंधी परियोजनाओं के लिए रियासती व्यापार दरों ब्याज दरों पर ऋणों के रूप में कुछ सहायता, पूंजीगत निवेश, मात्र चुनिंदा क्षेत्रों में कुछ संयुक्त उपक्रम हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के फैलती हुई बेरोजगारी की समस्या के शासन किए जाने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए उपचारात्मक उपायों के द्वारा आवश्यक रूप से कुछ बल दिया जाता है, जैसे कि स्वरोजगार के अवसरों को सृजन किया जाना, कार्यशील गरीबी के उत्पादन एवं आय के स्तरों में वृद्धि किया जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में राहत प्रदान करने वाले रोजगार पर दिए जाने वाले बल को टिकाऊ उत्पादन परिसंपत्तियों का निर्माण किए जाने पर स्थानांतरित किया जाना, किसी सीमा तक संरक्षणवादी नीति को और वापस किए जाने का सप्रसंग सरकार के द्वारा घमंड सहित प्रदर्शित न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बल दिए जाने के स्थान पर नीतियों के उदारीकरण का एक ईमानदारीपूर्ण परीक्षण किया जा सके और निजीकरण की गति को यहाँ पर बढ़ाया जा सके।